इंडियन फुटबॉल विल प्ले म्यांमार इन जुलाई एंड इगोर सीमैच ने आज फाइनली बॉम्ब फोड़ दिए AIFF के ऊपर, इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इगोर सीमैच ने सारे जर्नलिस्ट को बुला के, क्योंकि अब वो फ्री हो चुके हैं, अब उनको कोई डर नहीं है AIFF का, कल्याण चौबे का, शाहजी प्रभाकरन का, IM विजयन का, सबको उन्होंने एक्सपोज करा है। एंड आज जो स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं फ्रॉम इगोर सीमैच, इट इज़ वेरी रियली रियली कंसर्निंग फॉर इंडियन फुटबॉल, क्योंकि इगोर सीमैच तो चले गए बट अब जो नया कोच आएगा उसके लिए भी ये एक सरदर्दी की जॉब होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर्डल्स आ रही थी इगोर सीमैच की, कि टर्मिनेशन क्लॉज किसने हटाया है, क्यों इगोर सीमैच को एक्सटेंड करवाया कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने खुद ही बोला है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो पिछले साल ही जुलाई के बाद जा रहा था, जब हमने वो 3 कप्स जीते थे उसके बाद मैं जा रहा था, मैंने अनाउंस कर दिया था AIFF में, बट हायर अथॉरिटीज ने AIFF की कहा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड कर रहे हैं हम, एंड शाहजी प्रभाकरन आपसे टॉक्स करेंगे इस बारे में एंड वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन क्लॉज नहीं था वो हमारे ग्रेट शाहजी प्रभाकरन की वजह से नहीं था, उन्होंने वो टर्मिनेशन क्लॉज हटा दिया था क्योंकि उन्होंने ही टॉक्स करी थी इगोर सीमैच के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, एंड उन्होंने ही एक्सटेंड करा भी है उनका, एंड जो टर्मिनेशन क्लॉज हटाया है वो शाहजी प्रभाकरन ने हटाया है। तो दिस इज नंबर वन इनकॉम्पिटेंसी ऑफ AIFF के टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के, वरना या तो आप एक ऑब्जेक्टिव्स देते हो कि हमें राउंड 3 में पहुंचाना है, आपने AFC एशियन कप में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचाना है आपने, कम से कम ऐसा कुछ था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में इगोर सीमैच के, ऊपर से टर्मिनेशन क्लॉज भी नहीं था, तो कितने गधे लोग बैठे हैं AIFF में इससे ये पता चलता है। बट अब एक और काफ़ी बड़े ऑफिशियल की अगर हम बात करें AIFF की, जो कि है हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे, तो उनके बारे में इगोर सीमैच ने कहा है कि ये ढोंग रचता है एक, बड़े बड़े फीफा के ऑफिशियल्स के साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करना, ये जो फोटोज़ खिंचवाता है आर्सन वेंगर के साथ, जियानी इन्फेंटिनो के साथ, ये एक ढोंग है, ये कोई भी इंडियन फुटबॉल के लिए काम नहीं कर रहा है, इसको सिर्फ क्लिक्स चाहिए होते हैं, व्यूज़ चाहिए होते हैं, इसको सिर्फ बातें उछलवानी होती हैं ट्विटर पे, अपनी रेपुटेशन बनानी होती है, इसीलिए ये जो पिक्चर्स आप देखते हो आर्सन वेंगर के साथ, जियानी इन्फेंटिनो के साथ, ऐसे ऐसे जो इसके डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो ये जान के देता है ताकि वो अच्छी नज़रों में बना रहे लोगों की, बाकी ये इंडियन फुटबॉल के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। जितनी जल्दी हो सकता है कल्याण चौबे को बाहर निकालो तभी हमारी इंडियन फुटबॉल जो है वो सुधरेगी, तो ये कहना है इगोर सीमैच के। एंड मैं काफ़ी इसे तवक्को भी रखता हूँ क्योंकि खुल के आंसर्स वो नहीं देते हैं, जो इगोर सीमैच की डिमांड्स थी वो उन्होंने कभी एज सच पूरी नहीं करी है, एंड जो जो टीम्स के साथ इगोर सीमैच खेलने को मना करते थे कल्याण चौबे उनकी बात नहीं मानते थे, मर्डेका कप, किंग्स कप नहीं खेलना चाहते थे इगोर सीमैच एज एन इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, उनके कुछ और प्लान्स थे, तो आप अपने कोच को वो लाइबिलिटी तो दो, वो फ्रीडम तो दो, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं दे रहे आप, आपने GPS का कोई बंदोबस्त नहीं करा, आपकी टीम में एक एनालिस्ट नहीं था कितनी देर तक, साइकोलॉजिस्ट नहीं था कितने टाइम तक, आपको कोई परवाह नहीं थी उसकी भी, चार्टर फ्लाइट आपने अरेंज नहीं करी, हालांकि आप खुद प्लेन्स पे जाके इधर से उधर जाते रहते हो, फीफा की इस मीटिंग में गए कभी उस मीटिंग में गए, तो आप अपना ध्यान रख रहे हो सिर्फ इंडियन नेशनल टीम का, उनके हेड कोच का, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका ध्यान आपने सच कभी भी नहीं रखा। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ISL है वो कभी भी क्रिकेट के साथ कोलाइड नहीं करना चाहिए, एंड ISL एक ऐसे बंदे को रन करना चाहिए जो फुटबॉल का बंदा हो, ना कि वो लोग रन करें ISL को जो क्रिकेट के बंदे हैं, जो क्रिकेट में इन्वॉल्व है उनको कभी भी ISL रन कर दें करने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर वो क्रिकेट को ऊपर रख के ISL चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ इगोर सीमैच की, कि भैया नीता अंबानी एंड जो भी वो FSGL है वो क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू फुटबॉल, एंड ऐसे तो फिर फुटबॉल नहीं चल पाएगी क्योंकि फिक्स्चर्स जो अनाउंस होते हैं ब्रॉडकास्टर्स, ये सब जो डेट्स अनाउंस होती हैं टाइम्स, वो फिर क्रिकेट के अकॉर्डिंग होती है, कहीं ना कहीं क्रिकेट का इन्फ्लुएंस उस पर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे राज जो खोले इगोर सीमैच ने ये एक्सपोज
कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब हमारी टेक्निकल कमेटी को भी, हमारी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उनको भी, हमारे प्रेसिडेंट को भी, एंड जो एक्स जनरल सेक्रेटरी है हमारे कल्याण शाहजी प्रभाकरन को भी। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि इगोर सीमेंट तो अब जा रहे हैं, बट अब जो नया कोच आएगा वो कौन आएगा? क्या वो एक और पपेट आएगा जो कि AIFF मैनिपुलेशन करेगी उसके ऊपर, मैनिपुलेट करके उसको अपने स्टेटमेंट्स बदलवाएंगे, वो उसको अपने तरीके से चलवाएंगे? क्या एक ऐसा कोच आएगा अब जो पपेट बन के रह जाएगा सिर्फ AIFF का? वो एक देखने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे कोचेस लिंक तो हो रहे हैं इस वक्त इंडियन फुटबॉल के साथ, बट आई डोंट वॉन्ट एक ऐसा कोच जो AIFF की बातों में आके उनकी बातें माने। हालांकि यहाँ पे पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती है इंडियन फुटबॉल के कोचेस को, तो अगर पूरी फ्रीडम नहीं दोगे इंडियन फुटबॉल टीम के कोचेस को तो वो कभी भी एज सच अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक और बात भी इगोर सीमैच ने काफ़ी सही कही कि अगर रिचेस्ट एंड बिगेस्ट क्लब ऑफ इंडिया ही बांग्लादेशी एंड मालदीव्स के क्लब्स से हार रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वही प्लेयर्स जब इंडियन नेशनल टीम में आएंगे तो वो अफगानिस्तान जैसी टीम्स को हरा दें? तो यहाँ पे एक और वैलिड पॉइंट है काफी, क्योंकि अफगानिस्तान का भैया लेवल पिछले 5 से 5-6 सालों में काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, क्योंकि वो अच्छी कंट्री से अगेंस्ट खेलते हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी लीग्स में खेलते हैं, चाहे वो फोर्थ फिफ्थ डिवीजन में ही खेलते हों यूरोप की, बट उनके जो बेसिक्स हैं यार, उनके जो फर्स्ट टचेस हैं, उनके जो बेसिक फुटबॉल सेंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स से। तो कैसे आप उम्मीद करोगे कि ऐसे प्लेयर्स हमारे फिर अफगानिस्तान को जाके हराएंगे जो कि फिजिकली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है हमसे? बट यहाँ पे अगर मैं इंडिया वर्सेस म्यांमार की मैच की बात करूँ तो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम विल फेस म्यांमार वुमेन्स फुटबॉल टीम ऑन 2nd of July एंड 4th of July। तो यहाँ पे कैंप ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ दिनों में स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बाकी इंडियन नेशनल टीम के जो हेड कोच हैं, काफ़ी सारी एंट्रेंट्स आएंगे अभी, काफ़ी सारे CVs आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे, बट लेट्स होप कि कोई अच्छा कोच आए जो कि अपनी चलाए, ना कि वो AIFF के प्रेशर में आके इन्फ्लुएंस होके अपने जो प्रोमिसज है, अपनी जो डिमांड्स है वो ना रखें, एंड फिर लड़ाई होगी, फिर इनकॉम्पिटेंसी बढ़ेगी और ज़्यादा, एंड फिर एक और कोच आएगा वो भी चला जाएगा, एंड सेम चीज़ें ये रिपीट होती रहेगी इंडियन फुटबॉल सेटअप में। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इगोर सीमैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उन्होंने सही बोला, क्या उन्होंने गलत बोला। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट, बाय।